अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग रेडी हो गए हैं, मतलब 5:30 बज नहीं रहे हैं, अभी बजने वाला है। हम लोग एग्जैक्ट 5:30 बजे हम घर से निकल लेंगे। और पहले तो हम लोग का था कि 4 बजे जाएंगे, फिर 4 बजे से हट करके ये हुआ कि 5 बजे जाएंगे, और अभी उठते उठाते ये हुआ कि चलो 5:30 बजे निकलेंगे। वैसे ट्रक भी काफ़ी लेट में निकला है ना, तो इतना वो नहीं है कि बहुत जल्दी पहुंचना ही है। और मैंने बहुत सिंपल सा वेयर किया हुआ है, जीन्स है और ये ऊपर से मैंने एक स्क्रब डाल लिया है और टॉप हल्की सी। तो जीन्स भी मेरा स्ट्रेचेबल वाला है ना, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, ऐसा नहीं कि जीन्स में मुझे दिक्कत होगी। और सारा सामान भी देखो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ गाड़ी में रखने वाला भी पैक हो गया है, बस यही थोड़ा बिखरा हुआ है क्योंकि मैंने थोड़े बहुत काजल और एकदम लाइट न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई है। तो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं, सफ़र हमारा सुबह। और आज हम लोग हमारे नए आसियाने की ओर बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी दिनों से कसमकश चल रही थी, एक महीने से, और अभी फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं। तो ठीक है, अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है अभी, मतलब ना जब सामान सारा चला गया है और कंफर्म है कि नहीं हमें जाना ही जाना है, तो अच्छा लग रहा है अब। पहले तो लग रहा था कि यार हो मे बी हो सकता है कोई पॉसिबिलिटी हो तो हम रुक जाएं, लेकिन अब जब ये है कि नहीं जाना ही है तो अच्छा लग रहा है। यही तो होता है ना, हर तरीके से बस खुश रहना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो खुद को खुश रखना चाहिए, यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलो मैं अभी ये थोड़ा बहुत सामान देखो बाई मिस्टेक ये हमारा इरिका वाला प्लांट्स यहीं छूट मतलब क्या गया, ट्रक में रखवाने को भूल गया है। तो अभी हम इसे कैसे करके भी गाड़ी में शिफ्ट कर लेंगे, तो सबसे पहले कुर्सियाँ लगा देंगे जो हमने 2 चेयर रखी थी ना, और चेयर के बीच में इनको डाल देंगे ना, तो ये सेफ भी रहेंगे और इनकी जो लेब्स है ना वो टूटेंगी भी नहीं इधर उधर। अब गलती तो हो ही गई है, भूल गया, वरना ट्रक में रखवा देते तो सेफ्टी से जाता। और अभी तैयारी बनाते बनाते हमें सुबह हो ही गई है, ये देखो। तो 5:30 बज रहे हैं और बस हम लोग निकलने ही वाले हैं, ये और ड्राइवर भी है, एक बार का सामान रखने गए हैं, इसके बाद फिर आएंगे तो हम तीनों लोग जो बाकी का सामान बचा है उसको ले जाएंगे। और मैंने प्लांट्स आप लोग को दिखाया ना, तो गलती से वो छूट गए हैं, उनको भी गाड़ी में सेट करना पड़ेगा क्योंकि इतने अच्छे खिले खिले हुए नहीं छोड़ सकते हैं। मतलब ये तो बोल रहे थे कि रख देते हैं यहीं पर, इतने सारे रखे हैं, लेकिन मेरा मन नहीं माना, मुझे लग रहा था नहीं यार इसको तो ले चलते हैं, इतने प्यारे प्यारे अच्छे, बहुत अच्छा तरीके से उनमें लीव्स निकली हुई है ना, तो मुझे लगा अगर आ जाएगा तो ले चलते हैं, नहीं आएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब देखो आज मैंने कैसे कंघी करी हुई है, एक्चुअली मैंने कंघी ढंग से करी ही नहीं है, तो हाँ ये हो गया। और लास्ट बार देख लो हमारी बिल्डिंग, क्योंकि अब नहीं आप लोग को दिखने वाली है ये, मुझे भी नहीं दिखने वाली है, आप लोग को नहीं दिखेगी मुझे भी नहीं दिखेगी, तो ठीक है क्या कर सकते हैं, नई नई जगह मिलती है, पुरानी पुरानी जगह चेंज होती हैं। और ये देखो पीछे गाड़ी में हमारा सारा सामान शिफ्ट हो गया है, और जो भी हमने पतला वाला मैट्रेस पिलो वगैरह रखी थी ना रात में लेटने के लिए, तो देखो सब अच्छे से आराम से आ गए हैं। और हमारे इरिका के प्लांट्स भी दोनों आ गए हैं, तो पहले हमने चेयर सेट कर दी है, उनके बीच में दोनों प्लांट्स को रख दिया है, तो काफ़ी सेफ्टी तरीके से रख गए हैं। और ये लोगों ने ना मतलब जो हमने आलू टमाटर रखा हुआ था उनको मैं देख रही हूँ कि कहीं अच्छे से दबाए तो नहीं है, क्योंकि एक दो दिन अगर हम वहाँ सब्ज़ी नहीं ले पाएंगे तो इससे काम चला सकें, और ऐसा ना हो कि सामान के बीच में ये दब जाएँ तो फिर
ये भी ख़राब हो जाए, रास्ते में ही ख़राब हो जाए घर पहुंचते पहुंचते, और काफ़ी हमारा सामान इसमें आ गया है जितना भी हमने रखा था। और अभी मैं ड्राइवर भैया को याद दिला रही हूँ कि जो टिफ़िन आपको दिया हुआ था दो दो खाने के लिए, आप उनको ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि पता चले ऐसा हो ना कि जल्दी जाने की जल्दी में वो टिफ़िन ही भूल जाएँ, तो इसलिए उनको याद दिला रही थी। और देखो मुझसे ज़्यादा इनको जाने की जल्दी है, इनको गाड़ी में बैठने की जल्दी और मुझे वीडियो बनाने की जल्दी है, तो हम दोनों का अपना अलग ही अलग है, उनको जाने की जल्दी और मुझे वीडियो बनाने की जल्दी। तो चलो ठीक है, चलते ही हैं। और चलो अभी आप लोग को शिमला वाली ट्रिप दिखाती हूँ। जी हाँ, ये देख करके व्यू लग रहा है ना जैसे शिमला में हसीन वादियाँ हैं, पेड़ पौधे, पहाड़ियाँ और हरी हरी घास है, तो कुछ वैसा ही दिख रहा है ना नज़ारा। और वेदर इतना माइंड ब्लोइंग था ना कि देख करके यार बताने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं सफ़र में, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं एक मतलब ना ट्रिप इंजॉय कर रही हूँ, और सच में ये मतलब इतनी लंबी जर्नी थी, बट कहीं पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे दिक्कत हो रही है या फिर मैं बोर हो रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक तो वो ऐसी टेबलेट थी ना कि उसमें थोड़ा बहुत नशा भी था, मैं खा ली थी तो आधे टाइम तो मैं सोती ही रह गई, और आधे टाइम मैंने ये बारिश वेदर इन्जॉय किया, तो इतना मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लगा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए, और घर बैठे आप लोग भी ये देख करके ना बहुत इन्जॉय करने वाले हो। और देखो कितनी ज़ोरों की बारिश हो रही है, तो आप लोग भी देखो और इन्जॉय करो। आगरा पहुंचने से पहले रेस्टोरेंट है फूड किंग, और आगरा एक्सप्रेसवे पे ज़्यादा कुछ भी नहीं खाने पीने का मिलता ना, तो ऐसे ना बीच बीच में मतलब 100-150 किलोमीटर के डिस्टेंस में ऐसे रेस्टोरेंट टाइप के मिल जाते ना, कि जिसको भी अपना थोड़ा सा छुट्टू मुट्टू वाला गाड़ी से सफ़र से ब्रेक लेना हो, कुछ ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करना हो, तो यहीं अपना लोग ना खाते पीते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। और देखो इनको पता नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और अचानक से आ गए ना तो ऐसे उछल कर इधर उधर भाग रहे थे। तो बस अभी हम लोग यहाँ खाए हैं डोसा और निकलने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है, और फ़ोन में ले जाना भूल गई थी, मेरा फ़ोन गाड़ी में ही चार्ज में लगा हुआ था, और सुबह इतनी ज़ोरों की बारिश हो रही थी ना, मैंने आप लोग को दिखाया था, और अभी देखो कितनी ज़्यादा धूप हो गई है। और अभी हम लोग ग्रेटर नोएडा में एंट्री कर चुके हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा आउटर में है, तो जो लोग ग्रेटर नोएडा में रहते होंगे ये बिल्डिंग देख करके वो समझ जाएंगे। और बस अभी हम लोग अंदर एंटर करने ही वाले हैं, और ग्रेटर नोएडा से अभी हमें मेरठ पहुंचने में एग्जैक्ट 2 घंटा लगने वाला है। जी हाँ, सुनने में लगता है ना सब आस पास है, बट फिर भी जो सिटी होती है ना, सिटी अंदर ही घूमते घूमते तो 1-1.5 घंटा लग जाता है, तो मतलब ग्रेटर नोएडा से पहुंचने में मेरठ 2 घंटा लग जाने वाला है। और मेरठ से दिल्ली भी 57 किलोमीटर दूर है, बट अंदर एकदम दिल्ली के आप जाओगे ना तब भी 2 घंटा आपको लगने वाला है। और अभी हम लोग मेरठ आ चुके हैं। जी हाँ, ये मेरठ की रोड है, तो अपने नए ठिकाने पे हम लोग आ चुके हैं, और अभी साल 2 साल कब तक मुझे नहीं पता है, यही हमारा आसियाना है, यही हमारा शहर है, और प्रॉपर तो नहीं लेकिन हाँ जितने दिन भी हैं हम लोग अभी फ़िलहाल मेरठ वासी ही बन गए हैं। तो स्वागत करो मेरठ वासियों, हमारा भी स्वागत करो, हम भी इंक्लूड हो गए हैं यहाँ। तो बस अभी हम लोग घर जाएंगे, क्योंकि ट्रक भी पीछे पीछे आ रहा है, तो पहले सारा सामान हम लोग शिफ्ट करवाएंगे, वो लोग उतारेंगे इसके
बाद ही कुछ होगा। वैसे तो ज़्यादा थकी नहीं लगी है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सोचने में पहले बहुत लग रहा था यार इतना लंबा सफ़र, इतना लंबा सफ़र, बट जब एक्चुअल में आया ना तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो हम लोग मेरठ आ गए हैं और अपने आसियाने में भी आ गए हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैं घर के अंदर मास्क क्यों लगाई हूँ, क्योंकि सामान उतारा जा रहा है, तो इसलिए बहुत सारे लोग ऊपर आ रहे हैं सामान ले ले करके और चढ़ा रहे हैं ना, तो इस वजह से हम दोनों ने ही अभी मास्क लगा रखा है। और जब सामान पूरा यहाँ ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर उतार देंगे इसको, लेकिन अभी सेफ़ नहीं है इसको उतारना, तो इसलिए लगा रखे हैं ना। अब पता नहीं कौन कौन कहाँ से क्या कैसे आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत सेफ्टी तो रखना ही पड़ता है। और आज मुझे थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा है ना, नई जगह, नया घर, सब कुछ नया नया सा लग रहा है। फिर एक दो दिन के बाद सब कुछ ठीक लगने लगेगा। अभी मतलब बेकार नहीं मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा है कि मैं कहाँ आ गई, क्या कैसे है। तो चलो अभी हमारा नया सफ़र स्टार्ट हो गया आज से, नया घर, नई जगह, सब कुछ नया नया था। और यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, जगह बहुत अच्छी है, चारों तरफ बाहर भी घूमने के लिए बहुत अच्छा है। वैसे मैं अभी ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, फिर बाद में डिटेल से अपने घर का होम टूर कराऊंगी, तो ज़्यादा अभी नहीं दिखाऊंगी। जितने भी अभी वीडियो आएंगे होम टूर से पहले, बहुत थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, फिर होम टूर में आप लोगों को अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगी घर, वरना अभी से दिखा दूंगी तो सारा एक्साइटमेंट आप लोग का ख़त्म हो जाएगा ना। और देखो आप लोग को दिखाऊँ सामान ट्रक से आ गया है। देख रहा है ना, ये इतने बड़े ट्रक में पूरा सामान आया हुआ है, तो अभी धीरे धीरे उतर भी रहा है। तो चलो मैं आप लोग से बाद में बात करूँगी, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।